Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. Myself Avika and today I'm back with another vlog. तो basically मेरा room tour video है. आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा request किया था and it's finally here. तो मेरा room बहुत basic सा है but जो भी है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. So without any further ado, let's begin the video. तो सबसे पहले ये गेट है, यहाँ से हम एंट्री करते ही यहाँ पे हमें दिख जाते हैं टू बेड्स. नॉर्मल बेड्स है, कुछ खास नहीं है. फिर यहाँ पे हमें दिख जाता है ये वाला, ये मैं कुछ वो है कारपेट टाइप, मतलब कारपेट ही है. उसमें है ना कुछ ऐसे डिज़ाइन से बने, पता नहीं कैसे से, बट हाँ एक पर्पल कलर का मैंने यहाँ पे कारपेट डाला हुआ है. एंड इसके जस्ट यहाँ पे एसी है और उसके नीचे कैरम बोर्ड है. तो क्या है ना, इस वाले कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी आती है और मतलब बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि एकदम टॉप पे है. तो इसलिए है ना यहाँ पे एक एसी लगाया था पापा ने और ये काफ़ी कूलिंग देता है, सच में बेस्ट है ये वाला. फिर उसके जस्ट नीचे यहाँ पे कैरम बोर्ड मैंने रखा हुआ है. तो इसके है ना हमारे पास वो गिट्टक नहीं है जिससे वो खेलता है, पता नहीं है 3-4 साल से यहीं पर पड़ा हुआ है, किसी काम ही नहीं आता, बट हाँ सजा रखा है हमने वहाँ पर. फिर नेक्स्ट अप हम चलते हैं यहाँ पे. मैंने ये वाली वॉल थोड़ी सी है ना लाइक रस्टी सी है, बट इसको मैं बाद में ठीक कराएंगे जब भी मन करेगा. तो यहाँ पे मैंने दो कैनवस लगा रखे हैं एंड ये वाले कैनवस है ना मैंने उसमें बनाए थे एट्थ में हमें प्रोजेक्ट के लिए मिले थे. तो ये मेरी फ्रेंड ने बनाया था मेरे ही कैनवस पे एंड ये वाला मैंने बना दिया था. तो हम दोनों ने बना के यहीं पे लगा दिए थे. ये वाला कारपेट लिटरली हमने इतना ज़्यादा यूज़ कराया है, लाइक 2 साल पहले हमने परचेज़ किया था इसका. अगर तुम ध्यान से देखोगे ना यहाँ से इसका पूरा स्ट्रक्चर लाइक ख़राब हो गया, ये इतना ज़्यादा बेकार हो गया है. पर हाँ अभी भी अच्छा चलता है, लेकिन इसे धो दोगे तो सही चलता है. ये इतनी बारी धुलाई की पता नहीं इसका पूरा ही ख़राब हो चुका है ये, पर अभी बहुत सुंदर लगता है. ऐसा नहीं कि फटाफटा है, मतलब सही है बट हाँ काम चल जाएगा. नेक्स्ट अप हमारा कुछ ऐसा दिखता है. तो ये बेड तो मैंने बता दिया एंड यहाँ पे ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना ये लिटरली बस रखा हुआ है शक्ल देखने के लिए, इसका कुछ काम नहीं है. वो नीचे जो ड्रॉर्स हैं उनमें कुछ नहीं रखा, इसके अंदर कुछ नहीं रखा, सो इट्स नो यूज़ कि उसे मैं खोलूँ. तो ये खाली रखा हुआ है एंड इधर देखते हैं हम. इधर सबसे पहले है ना हमारे पास ये वाला सूटकेस है रेड कलर का और इसके अंदर है ना ये भी इनफैक्ट खाली है, शायद एक दो कपड़े होंगे इसके अंदर सर्दी के, नहीं तो ये भी खाली है. एंड रोज मैं स्कूल से आती हूँ तो ऊपर अपना ये बैग पटक देती हूँ स्कूल का और फिर यहीं से मैं काम मतलब अपनी कॉपीज़ निकाल के काम करती रहती हूँ. इसके जस्ट बराबर में है मेरा गिटार, माय फेवरेट. यार बताऊँ ये वाला गिटार काफ़ी अच्छा चलता था बट इसमें अनफॉर्चुनेटली बेंड आ गया, लाइक मैं किसी दिन बताऊँगी अच्छे से, बट इसका है ना स्ट्रिंग्स पूरा बाहर की तरफ आ रहा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेंड आ गया. तो मैं इसे ठीक करवाऊँगी, अभी भी गारंटी में है ये. तो हाँ इसे ठीक करवाना है एंड दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक, नॉट द बेस्ट बट मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है. एंड ये वाले जो हमारे दो डिज़ाइंस हैं ना, ये मेरा ये वाला फेवरेट है. तो ये हमारे स्कूल में बनवाया था लिपन आर्ट, आई गेस 9th का प्रोजेक्ट था ये. हाँ तो 9th का एनुअल का प्रोजेक्ट था और हमने ये बनाया था एंड लिटरली मुझे तो अपना इतना ज़्यादा प्यारा लगता है, मैंने यहीं पे स्टिक कर लिया. ये केक के बेस पे बना रखा है, जिस पे केक आता है ना तो ये केक के बेस पे पूरा लाइक एमसील या फिर वो जो होता है ना क्ले वगैरह, तो उससे बनाया है. एंड सिमिलरली ये बनाया था, ये इतना अच्छा नहीं लगता मुझे जितना अच्छा मेरे को ये लगता है क्योंकि इसमें बहुत प्यारा वर्क करा था. फिर नेक्स्ट अप ये तो सभी को पता होगी, लेकिन तो मैंने काफ़ी बारी दिखाई है, मैं एक बारी फिर बता देती हूँ. तो इससे खोलते ही सबसे ऊपर है मेरी सारी रेफरेंस बुक्स वगैरह एंड पीछे कुछ एक्स्ट्रा सामान है. यहाँ पे मेरी स्कूल की कॉपीज, स्कूल की बुक्स, टेप और सिज़र और ये कान्हा जी का एक लाइक पोलरॉइड, तो मैंने ये मंगवाया था, मैंने यहीं पर रख दिया. नेक्स्ट यहाँ पे नीचे कुछ एक्स्ट्रा सामान है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो. एंड या यहाँ पे बस कुछ एक्स्ट्रा सामान है, स्क्रंचीज़ वगैरह सब यहीं पे मैंने भर रखा है. अब ये जो दो चीज़ें हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं तो मैंने नहीं दिखा रही, बट ओवरऑल बता देती हूँ क्या है. इसके अंदर कुछ नहीं है, बस बहुत सारे पेपर्स हैं जिनमें प्रैक्टिस कर करके इसी के अंदर डाल देती हूँ. एंड इसके नीचे सारे शूज़, लाइक आप मेरी डांस वीडियोज़ देखते होंगे, मैं ज़्यादातर बूट्स ही पहनती हूँ, बट जितने भी मेरे ट्रेडिशनल वेयर्स के लाइक शूज़ हैं, नॉर्मल शूज़ हैं, कुछ भी मतलब होता है ना जूती वगैरह, सब इसके अंदर रखा हुआ है, बहुत मैसी हो रखा है. सो या मूविंग ऑन टू दिस वाली शेल्फ, इसमें कुछ नहीं है, बस बहुत सारी कॉपीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा. इन्हें मैं संगवाऊंगी किसी दिन लगा के, बट अभी मैंने ऐसी रख रखी है, सो लेट्स जस्ट इग्नोर दैट. हाँ तो इसमें ये है एंड अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने कंप्यूटर के आसपास यहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ है. सबसे पहले यहाँ पे मेरा रिजल्ट, तो मेरे हिंदी में आए थे 10 out of 10, इंग्लिश के पेपर में मैं एब्सेंट थी, मैथ्स के में 10 out of 9, साइंस में 10 out of 8,
तो सोशल स्टडीज़ में 10 out of 9, जिनको भी मेरे रिजल्ट नहीं पता था, हेयर इट इज। एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लगा रखा है, मतलब मेरे भाई ने लगा रखा है रिविजन, तो ये उसने ही लगाया, मैंने लगा के छोड़ दिया। यहाँ पे लिस्ट है, मैंने पूरी नहीं करी है, करूँगी एक दिन बैठ के, ऐसे छोड़ दिया ऐसे। यहाँ पे एक कैलेंडर है 2023 का, 24 का एंड 25 का, तीनों ईयर्स जिसमें तो मेरे बहुत हेल्पफुल था, स्कूल में मिला था हमें, तो मैंने यहीं पे लगा दिया। नेक्स्ट नीचे है यहाँ पे मेरा अगस्त स्ट्रैटेजी का कैलेंडर, तो मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई थी। एंड मैंने जब अगस्त की स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी थी तो मैंने पूरा ये लाइक बनाया था। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हो, चैनल पे ही है। तो बस उसमें ये देखो एकदम मैंने भर दिया है, जितना भी मैं काम करती हूँ सब इसके अंदर लिख देती हूँ। काफ़ी कुछ कराया मैंने, बस यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करना है मेरे को, यहाँ का छूट गया था, तो इन्हें भी मैं कर लूँगी। एंड या इस साइड तो बस इतने पेपर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी तरफ जिससे भी अलग अलग जिन जिन मतलब मेटल्स को मिला के बनते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स को, उसकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ रखी हुई है। यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूलाज वगैरह बहुत हेल्पफुल है, इसे देखती हूँ तो याद हो जाते हैं, मतलब लर्न होते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, और यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स, मुझे इससे पहले याद करने में प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं इसे 2-3 दिन पहले यहाँ पे लगा दिया और अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है, काफ़ी कुछ याद हो गया इसे देख देख कर। सोया नेक्स्ट यहाँ पे रखी हुई है इकिगाय, ये बुक मेरी सिस्टर ने एक्चुअली मुझे गिफ्ट की थी, और सच बताऊँ ना मैं इसे आधी ही पढ़ पाई, मैं इसे कभी ख़त्म कर ही नहीं पाई, मुझे बीच में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग गई थी, बिकॉज आई एम नॉट अ बुक पर्सन। तो ये हाँ, ये वाला बुक मार्क भी मैंने इस पर लगाया हुआ है, ये इतना ही पढ़ा था मैंने, तो यहीं पे लगा के इसे आई जस्ट कीप इट हियर। एंड या इतना है ये सब कुछ। अब ये जस्ट कंप्यूटर के बराबर में अलमारी है, तो एक मिनट में पूरा खोल देती हूँ। या दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक, ऊपर का ही पार्ट दिखा रही हूँ, नीचे का अगेन काफ़ी ज़्यादा मैसी है। तो ऊपर सबसे पहले सारे कपड़े हैं, यहाँ पे भी कपड़े हैं, इधर है हमारा हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर, बेल्ट, एक ही वाला पर्स, फिर मेरे कुछ कपड़े, यहाँ पे कुछ मम्मी का मेकअप, ये कॉम्पैक्ट पाउडर, इयर रिंग्स वगैरह वगैरह, जितना भी सामान हो सकता है ना लाइक एसेसरीज, गजरा वगैरह, सब इसी के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं, और यहाँ पे मेरे सारे कोट्स, लाइक मुझे कोट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो सर्दियों के कोट्स मैंने यहीं टांग रखे हैं, और ये कुछ टॉप्स वगैरह भी हैं, काफ़ी सारे हैं तो और भी हैं वो, बट मैंने सर्दी वाली अलमारी में रखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने टांगे हुए हैं बहुत सारे बैग्स, मैं बैग्स को इतना ज़्यादा हैंग नहीं करती, बट छाती वगैरह में काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं सामान ले जाने के, तो वो सब यहाँ रखे हैं। आंटी वाला पर्सनली मेरा फेवरेट है, इसका प्राइस गेस करके बताना, और सच में चौंक जाओगे जब उसका प्राइस सुनोगे, तो उसका प्राइस गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ये एक और, ये मेरा बताओ आई गेस LKG का बैग है, लिटरली मेरा LKG का, तो ये मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया था, ये मैंने यहीं पे रख रखा है बहुत टाइम से, अब मैं इसे यूज़ अब भी करती हूँ, मुझे इतना क्यूट लगता है, ये गंदा भी नहीं हुआ था, फन फैक्ट, ये गंदा नहीं है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। एंड या ये है नीचे की तरफ कपड़े हैं, और यहाँ पे भी कपड़े हैं, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, बट हाँ इसमें कपड़े ही कपड़े हैं। सो या दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो ये रूम ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जितना मुझे प्रोवाइड करा आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे को काफ़ी हेल्प हो जाती है इस अकेले रूम से। सो या इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। एंड या आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आई मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक सच वीडियोज फॉर यू गाइज। एंड या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।